ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? पेज नंबर 17 का लिए निकालें बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। ये मेरे कहना मैंने एक दिया था वो जरा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेता, आज जरा पहले टाइम जरा ओरिएंट स्टोर को दे दे। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी सर, ये हमने थोड़ी सी इसकी डिस्कशन जरा स्टार्ट कर ली हुई थी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है प्लीज? पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 11 की जरा डिस्कशन एक स्टार्ट हुई थी, मेरी रिक्वेस्ट है रिवाइज करना। हम कहां तक पहुंचे थे, कुछ चीजें ढूंढ रहे थे जो मिल नहीं रही थी, कर ले रिवाइज करने दो प्रमोशन। जी सर, ये दो ऑप्शन है जिसपे हमने जरा डिस्कस करना था, इनमें से कौन सी ऑप्शन, बल्कि सॉरी पहले में तो हमने ये देखना था कि इन ऑप्शंस में ब्रेक इवन सेल्स किस अमाउंट पे आएंगी, ब्रेक इवन सेल्स की अमाउंट के अंडर ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। फिर एक बी रिक्वायरमेंट थी जिसमें बताना था फिर कौन सी ऑप्शन बेहतर है। तो हम ऑप्शन वन में रिक्वायरमेंट ए में ऑप्शन वन कर रहे थे बेटा, फसला थक गया होगा यार जी, इजाजत है मुझे, अगर बिजी है तो बता दो, बता तो दें वैसे। तो हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, क्वेश्चन सामने रखेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कुछ कंट्रीब्यूशन की तरफ पहुंच गए थे हम, फिक्स कॉस्ट मिल गई थी हमें कौन सी, 75,000 रेंट था और 1,50,000 अदर फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम था, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देन उसके बाद फिर हम कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट या पर बैच के एंगल से सोचना शुरू हो गए थे, ढूंढा तो पता ही चला था, कंसंट्रेट की जगह जरा दोबारा था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, मतलब कंट्रीब्यूशन की अमाउंट शायद हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर पकड़ना जरा दोबारा। गेम सदी अब सीरियस होती जा रही है। 1500 मिलियन एक एग्जिस्टिंग आउटलेट की हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है एवरेज मंथली परफॉर्मेंस, और हमें भी मंथली शायद रिक्वायर्ड है, और रिक्वायरमेंट में देखा जरा, डिटरमिन द ब्रेक इवन सेल्स अंडर द अजम्पशन दैट एससी वुड मंथली चार्ज, हमने मंथली शायद वर्किंग करनी है। तो 15 लाख की सेल थी और मार्जिन अवेलेबल थे, प्रिंटेड नॉन प्रिंटेड की स्टोरी थी, 60-40 की रेशियो भी मिल गई थी। तो 1500 लिखे, प्लीज सीरियसली लिखे, 1500 इंटू चले 60% करना, लेकिन अब बता दें ये 60% करके क्या है, और अगर नॉट प्रिंटेड है तो फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप 15% नहीं देखेंगे, आप 25% देखेंगे, देख लेंगे। तो 1500 इंटू 60% किया तो मेरे ख्याल 6 लाख है, 9 लाख है, 9 लाख को मल्टीप्लाइड बाय 75% कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 25% चले करें क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी उन प्रोडक्ट्स की जिन पे प्राइस प्रिंट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते वो भी आ जाएगी, लेकिन हमारा इश्यू ये है कि हमें यूनिट्स नहीं मिल रहे,
यूनिट्स के एंगल से डाटा मिसिंग है, यस सर, ठीक है सर। यस सर, तो यूनिट्स ना मिलने की वजह से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर बैच तक नहीं जा सकेंगे। यस सर, कंट्रीब्यूशन पर बैच तक कैसे जाएंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को फिर सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पर यूनिट होगी तो सेल मिक्स पर जाएंगे, तो सेल मिक्स तक नहीं जा सकते क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, तो कंट्रीब्यूशन पर बैच निकालना हमारे लिए मुश्किल हो गया। और देयर फॉर कंट्रीब्यूशन पर बैच निकालना मुश्किल होने का मतलब हम बैचेस बना के और सेल प्राइस मल्टीप्लाई करके पर बैच शायद ब्रेक इवन सेल्स तक नहीं पहुंच सकते। ये प्लीज मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ काइंडली समझ आने चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर बैच से डिवाइड करते तो पहले क्या निकलना था? बैचेस, और बैचेस से फिर या यूनिट्स बना लें और यूनिट्स बना के पर यूनिट सेल प्राइस मल्टीप्लाई करके सेल निकाल लें, या कंट्रीब्यूशन पर बैच डिवाइड करके जो बैचेस आते हैं उनको पर बैच सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके भी शायद सेल निकाली जा सकती है। लेकिन बहरहाल नॉर्मल शायद हमने यही भी रखा हुआ कि पहले यूनिट्स निकाल लें और फिर यूनिट से सेल प्राइस मल्टीप्लाई करके आप कंट्री ब्रेक इवन सेल के रुपीज निकाल लें। तो ये काम करना हमारे लिए इसलिए मुश्किल हो गया कि यहाँ यूनिट्स का डाटा नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमने फाइंड आउट करना ब्रेक इवन सेल्स को। अगर यूनिट्स का डाटा ना भी हो तो सीएस रेशियो को बेस बना के वर्किंग की जा सकती है, लेकिन सीएस रेशियो भी पहले अगर किसी के जेहन में आना चाहिए। सीएस रेशियो में तो भी पर यूनिट चाहिए होता है, लेकिन इस उस जमाने में बात ये हुई थी, शायद क्वेश्चन नंबर वन में ही हुई थी, जरा क्वेश्चन नंबर वन और उसका आंसर ढूंढने का, कि अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या सेल प्राइस पर यूनिट ना भी हो तो कंट्रीब्यूशन के टोटल रुपीस से और सेल के टोटल रुपीस से भी सीएस रेशियो निकाली जा सकती है। राइट सेकंड जरा रिवाइज करते नजर आए, क्वेश्चन नंबर वन और उसका आंसर जरा ढूंढना। इसके आंसर में काफी सारी वर्किंग हुई भी है, मेरा ख्याल है कि कहीं हमने ऐसी वर्किंग भी शायद की हो। इंडिविजुअली जरा एक मिनट रिवाइज करके ढूंढने जरा है ऐसी चीज। ये 11/20 तो बेटा मेरा ख्याल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा ख्याल है कि कोई यहाँ वर्किंग अगर नहीं की भी तो कर लेते हैं। 1.5 लाख यूनिट्स है, 1650 मेरे ख्याल लिया हो शायद, 1650,000 डिवाइड बाय 30 लाख शायद 55% शायद सी एस रेशियो आ गई हो। ढूंढने जरा कैंडी 11/20 तो मेरा ख्याल मिल रहा होगा, 11/20 तो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, लेकिन 1650,000 कंट्रीब्यूशन के टोटल रुपीस, 1.5 लाख यूनिट्स है उसमें, और डिवाइड बाय कर किया होगा हमने 3 मिलियन रुपीस। तो कंट्रीब्यूशन के अगर रुपीस ले लिए जाए और डिवाइड बाय सेल के रुपीस कर लिए जाए तो इवन देन सीएस रेशियो आ जाती है, और सीएस रेशियो अगर आ जाए तो फिर शायद हमें ब्रेक इवन सेल के रुपीस मिल जाएंगे, और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी ब्रेक इवन सेल के रुपीस है और यूनिट्स तक हमने पहुंचना नहीं है। वैसे तो अगर सेल के रुपीस आ जाए, ब्रेक इवन सेल के रुपीस आ जाए तो यूनिट्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल प्राइस फिर चाहिए होगी, पर यूनिट या पर बैच चाहिए होगी, तो वो शायद हमें इस क्वेश्चन में करना नहीं है। हमसे रिक्वायर्ड है कि हम ब्रेक इवन के सेल्स रुपीस बताएं। तो देयरफॉर अब हम अगर यूनिट्स नहीं भी है, इसको बेस बना के क्या कर सकते हैं? रुपीस को बेस बना के, कंट्रीब्यूशन और सेल के रुपीस को बेस बना के हम सीएस रेशियो तक पहुंच सकते हैं, ठीक है सर। तो फाइनली शायद हमारा फॉर्मूले में आ जाए वापस, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो की अब हमें जरूरत पड़ेगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर बैच तक हम नहीं पहुंच सके, लेकिन रादर देन दैट कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो को इंशाल्लाह बेस बना लेंगे। मैंने जितनी बातें की हैं आप लोगों के लिए की हैं, किसी को समझ आई हैं? क्या समझ आया सर? तो आज नीचे थोड़ी स्पेस रख लें, ऑप्शन टू की भी वर्किंग कर लेते हैं नीचे ही करके, फिर कंक्लूड भी कर लेंगे। तो इसके लिए आधे से ज्यादा थोड़ा स्पेस रखना, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो की वर्किंग करो। अब
कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो का निकालनी है तो सेल्स से चलते हैं आगे। पहले सेल्स निकाल लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो निकालनी है। कुछ रुपीज है हमारे पास? रुपीज है सर, थोड़ी सी वर्किंग करवानी है ग्राफ में। दो तरह की सेल्स है, लिखना छोड़ दो सर, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, समझे पहले। सेल्स भी दो तरह की है, एक प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की स्टोरी है, नॉट प्रिंटेड। ये फुल कंसंट्रेट, और मेरा ख्याल है मैक्सिमम पहले करवा दें, लिखने में दो मिनट भी नहीं लगे, कैलकुलेटर्स उठा दें। प्रपोज्ड लोकेशन की एक वर्किंग होनी है, प्रपोज्ड लोकेशन ढूंढने जरा शेप एंटरप्राइजेस को। ये एग्जिस्टिंग कोई आउटलेट की हमें सेल्स दी हुई 15 लाख, ऐसे ही है सर। तो प्रिंटेड और नॉट प्रिंटेड को अलग क्यों कर रहा हूं? प्रिंटेड प्राइसेस, नॉट प्रिंटेड प्राइसेस, क्योंकि उनके मार्जिन्स भी डिफरेंट है और उनकी शायद आगे अजम्पशंस भी डिफरेंट है। तो 1500-15 लाख ढूंढ लेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेटर पकड़ लें। इनटू हो गया 40%, ये ढूंढ दे कौन सा 50% है। 60-40 कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट, सारी परसेंटेज ढूंढने। 60-40, ये 40 क्यों लिया मैंने? नॉट प्रिंटेड वाली है 60%, प्रिंटेड वाली है, और सॉरी नॉट प्रिंटेड वाली 60% है, प्रिंटेड 40% है बैलेंसिंग। लेकिन जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं नीचे जाए, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाना, कितने परसेंट वॉल्यूम कम हो जाना, इसका मतलब अगर सेल्स 100% थी तो 80% रह जाए। और मैंने यहाँ ब्रैकेट इसलिए क्लोज कर दी, इधर नेक्स्ट लाइन में जाना रहा, वो जो प्राइस का फैक्ट है वो सिर्फ शायद नॉट प्रिंटेड पे, नॉट प्रिंटेड पे। एक सेकंड के लिए जरा सेल्स ज़हन में लाएं, सेल्स, ये सेल के रुपीस बने कैसे होंगे? ये मेरे ख्याल में, सॉरी मैंने रीड से आपके सामने एग्जैजरेशन कर दी है कि सेल्स ज़हन में लाएं, लेकिन ये मेरे ख्याल में बड़े आराम से नहीं आती सेल्स, तो सेल इंटेंशनली ज़हन में लाएं। ठीक है, इस वक्त एक सारा प्रोडक्ट है लेकिन कम अज कम यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट, तो मैंने सिर्फ इसमें यूनिट्स का इफेक्ट लिया, वॉल्यूम इफेक्ट लिया, मतलब जो भी क्वांटिटी बीच में होगी हमें नहीं पता, वो 80% हो जाएगी और सेल प्राइस जो भी होगी वो सेम है। ठीक है, तो कौन सी चीज हमने बदल दी? वॉल्यूम, लेकिन सेल प्राइस का इफेक्ट इस पे नहीं है। तो फॉरगेट अबाउट द कैलकुलेशन, आप मुझे नॉट प्रिंटेड की वर्किंग करवाओ। सॉरी इंटू 60%, क्या वॉल्यूम का इफेक्ट दोनों में आना? लेकिन यहाँ 80% वॉल्यूम का 20% डिक्रीज और 1.1 या 110% व्हिच एवर यू वांट टू से। अब लिखें भी और यहाँ तक जरा आंसर मुझे बता दो, पहले लिख लें आप। ये एनी कंफ्यूजन एनीवेयर?
therefore total sales at the proposed location under option one होंगी 1272000. नहीं बेटा, वो बैच की तो बहस खत्म होगी ना, कंडी अब साथ साथ रहे, हम यूनिट्स ना होने की वजह से बैच नहीं बना पाए. अब ये टोटल सेल है, ये किसकी सेल है? ये टोटल सेल एट द प्रपोज लोकेशन. यूनिट्स का डाटा ना होने की वजह से बेटा बैच नहीं बना सके. और अब ये बैच नहीं है, ये तो टोटल मंथली सेल है. 15 लाख क्या है? एक मंथ की सेल है किसी एवरेज आउटलेट की. अभी मंथली सेल एट प्रपोज लोकेशन है दोनों प्रोडक्ट्स की मिला के, एक बैच की या टोटल सेल? टोटल मंथली सेल है भाई, 15 लाख ना टोटल. पिछली आउटलेट का बेस बना लिया ना, एक हमें पुरानी आउटलेट का डाटा दिया हुआ है और देन नीचे बताया हुआ कि इस नई लोकेशन पे ये चेंजेस आएंगे. तो पुराने को बेस बना के हम नई की वर्किंग करते हैं. ये बड़ा ठीक है प्लीज. देन सर ये एक तो हमें सेल मिल गई, अब हम इस वक्त कर क्या रहे हैं? ये भी सेम में रखें, सी एस रेशियो में सेल्स चाहिए. अब क्या चाहिए? अब डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकाली जा सकती है, लेकिन हम वो भी निकालेंगे इंशाल्लाह. लेकिन जरा एक सेकेंड, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं हुआ. तो हर एंगल से कंडी बात फाइनल करनी है मेरे साथ. आपको हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए वैसे, डायरेक्टली परसेंटेजेस ही नहीं, हम जा तो सकते हैं, लेकिन जरा वेरिएबल कॉस्ट भी कैसे सोचनी है, अगर सोचनी कभी पड़ जाए तो उसकी भी जरा प्रैक्टिस करके आगे चलते हैं. और वंस अगेन जरा रुक जाए यहाँ. अब जो परसेंटेजेस हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, ये बड़ा क्लियर हो गया प्लीज. ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो, अब साथ मिल गया सर. अब जो वेरिएबल कॉस्ट होगी प्रिंटेड की और नॉट प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की, वो भी इसलिए डिफरेंट होगी क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज फर्क है. मसलन जरा अगर प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो शायद 85% होगी और नॉट प्रिंटेड की 75% होगी. तो कंसंट्रेट करें जरा वर्किंग, सुने कैसे कर रहा हूँ. 15 लाख इंटू 40% इंटू 85%. तो करवाएंगे तो पता चलेगा ना. 15 लाख क्या है? टोटल सेल क्या है? 15 लाख 40% से क्या है वो? ठीक है, आप जो बात, आप जो हजरात की तरफ से ओपिनियन आया बिल्कुल सही आया, लेकिन एक मिनट, बिल्कुल सही आप लोग भी कह रहे हैं. 480 भी ठीक है, लोग एक मिनट, दो तीन डिफरेंट एंगल सुनो. 15 लाख इंटू 40% करके क्या आया? लेकिन क्या वॉल्यूम बदलने से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी? और वॉल्यूम कम होने से वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा. तो मैंने जरा ये दिखाना था आपके साथ, ठीक है. अब यहां तक क्या आया? ये सॉल्व करें, 480 बना रहे, 480 बनेगा. तो यहाँ तक तो सेल बनी है अभी, और अब मैंने मल्टीप्लाई बाय 85% क्यों किया? एक मिनट आंसर बताइए. 8000. अब कैलकुलेटर पकड़ना जरा. एक सेकंड. मुझे कहा गया था कि 480 ढूंढने जरा. 480 क्या था? सेल. और 80% इफेक्ट उसमें आ गया हुआ था रिवाइज सेल, तो उसको सीधा ही कर लें 85%. दोनों तरह लिखा था. ज्यादा ध्यान होना चाहिए समझने पे.
डन है सर। ये नॉट प्रिंटेड प्राइसेस के बारे में 15% इंटू 60% इंटू 80% बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 15% है, 85% बैलेंसिंग फिगर है। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेटा 15% है तो व्हाट इज 100, व्हाट इज 15, व्हाट शुड बी वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन परसेंटेज 25% है, व्हाट इज 100 सेल प्राइस, व्हाट इज 25, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कंट्रीब्यूशन, 75 वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बड़ा क्लियर। जी सर 15 लाख इंटू 60% इंटू 80% करके हमारे पास सेल्स आ गई इंटू 1.1 इंटू 1.1 110% मीन्स 1.1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 75%, क्या 1.1 भी आना। सेल प्राइस अगर बढ़ी है तो इसीलिए बढ़ी होगी कि वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ी है। नेक्स्ट पेज पर जाए, क्या अगर वॉल्यूम में कमी या ज्यादती हुई है, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो अंडरस्टूड बात है कि सेल्स के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा। लेकिन प्राइस में जो इंक्रीज है क्या जरूरी है वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज की वजह से आया हो? नॉट नेसेसरी, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं। तो क्या हमारे क्वेश्चन बताया हुआ कि हमने प्राइस इसलिए बढ़ाई है कि हमारा खर्चा 10% बढ़ गया, बल्कि ये भी हो सकता है कि खर्चा फॉर एग्जांपल 5-6% बढ़ा हो और आपकी सेल प्राइस डिफरेंट प्राइस परसेंटेज से बढ़ी हो, और हो सकता है सेल प्राइस आप बढ़ाने की पोजिशन में ही ना हो, इवन देन कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई हो बिकॉज ऑफ सपोज मार्केट कंपटीशन। तो इसकी परसेंटेज सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हमारे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन नहीं है कि सेल प्राइस इसलिए बढ़ी है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी, देयरफॉर 1.1 सेल में तो आ गया है, सही आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने बताया कि सेल प्राइस बढ़ रही है, लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट भी 10% जरूरी है बढ़ रही हो? तो पर्सन साइलेंट है, शायद हमें यहां कंसिडर नहीं करना चाहिए 1.1। धन्य सर, हो सकता है कि हमने सेल प्राइस बढ़ाई हो ताकि हमारा मार्जिन बढ़ जाए। क्लियर है सर? दोबारा शुरू करें, 15 लाख क्या है, 60% से क्या आया, नॉट प्रिंटेड शायद, 80% क्यों किया, 20% वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, 1.1 क्यों नहीं किया, नॉट नेसेसरीली कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने की वजह से सेल प्राइस बढ़ी हो, लेकिन 75% क्यों किया, ताकि वेरिएबल कॉस्ट निकल। क्लियर है? प्लस आने लगा सर, आ जाएगा सर, वो भी आने लगा सर, क्या हो गया सर? आंसर बताइए। 540 जी, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट को साथ है सर। ये नहीं कंफ्यूजन है, वो एक मिनट ठहरना सही, क्या हो गया है जी? और लिखें कैलकुलेटर, नहीं सॉरी और लिखें कैलकुलेटर, 792,000 लिखें, जिसका भी आपने वर्किंग करवाई है, तो 792,000 मल्टीप्लाइड बाय 75%, आंसर आ गया 540। आंसर आ गया 540, नहीं आएगा 540। क्या हुआ जो यहाँ वहां हुआ, यहाँ नहीं हुआ, फुल करना जरा कंसंट्रेट। और असल गेम ये है जो इस वक्त शुरू होने लगी है,
792,000 कैलकुलेटर पे लिखें, ये अब 100% अमाउंट ही नहीं है, ये 110% अमाउंट हो गई। इन अदर वर्ड्स हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बदल गया। कंसंट्रेशन से सुने, बोर्ड पे देखो, अपनी इस वक्त जो परसेंटेजेस एग्जिस्टिंग है विद रिस्पेक्ट टू नॉट प्रिंटेड, उनकी जरा परसेंटेजेस लिखवाए। व्हाट इज 100? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? 25. व्हाट शुड बी वेरिएबल कॉस्ट? 25. ठीक है, ये थी एग्जिस्टिंग सिचुएशन। लेकिन नॉट प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की अब रिवाइज सिचुएशन क्या है? सेल प्राइस बढ़ के होगी 110, 10% इजाफा हो गया, 75 एज इट इज रहा है। देयरफॉर आपकी कंट्रीब्यूशन बदल गई। कंट्रीब्यूशन क्यों चेंज हो गई? प्राइस बढ़ी है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हुई। तो अब अगर आपने वर्किंग करनी है तो कैलकुलेटर पे लिखें 792, लेकिन इसे आप डिवाइड बाय होना। अच्छा एक सेकंड जरा, 792 क्या है? 792 क्या है? तो डिवाइड बाय 1.1 का इज इक्वल टू, दबाया जरा, नहीं एक मिनट, डिवाइड बाय 1.1, ये वापस 100% एक गेम आ गई, 720 ऐसी। एक सेकंड जरा इधर से वर्किंग करें जरा, 15 लाख इंटू 60% इंटू 80% के बाद इज इक्वल टू दबाएं, 15 लाख इंटू 0.6 इंटू 0.8 इज इक्वल टू दबाया, तो यहां तक क्या आया? 720 का मीनिंग, अगर प्राइस इफेक्ट ना होता तो 720 होना था, इसमें फिर 100% अमाउंट ही होती। तो 720 का एक सेकंड करें जरा, इंटू 0.75, 540। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कहाँ इंक्रीज आया, कहाँ नहीं आया? कर रहा भी इंक्रीज। अब दोबारा लिखें 792 डिवाइडेड बाय, अब इसकी बेस 100 नहीं है, 1792 डिवाइड बाय क्या होना, 110, और मल्टीप्लाइड बाय करें 75। आंसर आ जाएगा सर। तो वहां क्यों ऐसे आ गया, यहाँ क्यों वैसे नहीं आया? असल में ना एक चीज आप भूल जाते हैं, अब भूलने वाला जमाना खत्म हो गया। 480 लिखे जरा, 480,000। आप जब बेटा सीधा मल्टीप्लाई करते ना 85%, तो ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 100 खुद ही हो जाता है। डिवाइड बाय 100 जब खुद ही हो जाता है तो हमें याद नहीं रहता क्या ये डिवाइड बाय 100 हुआ और मल्टीप्लाइड बाय 85 हुआ है। तो जरा डिवाइड बाय 100 इंटू 85 करके देखें, तो जब आप परसेंटेज दबा देते हैं ना तो 100 जेन से निकल जाता है कि ऑटोमेटिकली 85 डिवाइड बाय 100 हुआ है। क्या ये 480,000 100 था? क्या वो 100 ही रहा था? लेकिन 792,000 में क्या हो गया है? डिवाइड बाय क्या करें, 110 मल्टीप्लाइड बाय 75 इज इक्वल टू, क्या प्राइस 10% बढ़ी? लेकिन क्या वही रहा? वेरिएबल कॉस्ट 75 ही रही। Therefore, अल्हम्दुलिल्लाह आपका आंसर मैच कर रहा है, लेकिन वहां कैसे कर रहा है और यहां कैसे कर रहा है? अब ये गली वहां वैसे कर रहा है, द बेस इज डिफरेंट नाउ। लेकिन जी इनका अगर सम कर ले दोनों का तो क्या बन जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट? ये ऑनलाइन स्टॉक्स बढ़ाओ क्या हो गया, तो सम कीजिएगा दोनों, 940 नाम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब किससे माइनस करके क्या निकाल सकते हैं हम? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, कौन सी कंट्रीब्यूशन निकालना है, ये भी सही में सही टाइम पे आना चाहिए, वरना बंदा
ये क्वार्टर कंट्रीब्यूशन तो चलो ठीक है, लेकिन ये कौन सी है? नेट ग्रॉस है। वेरिएबल कॉस्ट जब वर्ड हम बोलते हैं, या इवन जब कंट्रीब्यूशन वर्ड बोलते हैं, मतलब ये 15% 25% ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है, ये नेट है। एनी कंफ्यूजन जी हो रहा है? ये आंसर फाइनल बता दीजिएगा। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो फाइनल यहां तक बता दें, कोई कंफ्यूजन? अब यार यहाँ जो 324,000 आ गया, क्या इन परसेंटेजेस की बेस पे डायरेक्टली भी आ सकता था? और सर जी आ सकता था सर, कोई हेल्प करें जरा। 480,000 डिवाइडेड बाय करवाएं करवाएं इनटू 15 प्लस सही हिम्मत 792 डिवाइड बाय 110 इंटू 25 बाय, सवाल में तो 25% लिखा हुआ है, वो एग्जिस्टिंग लोकेशन का था, तो इंटू 35। अरे चेक कर सही आता, ठीक है सर। क्या मैच किया है हमने? इसके साथ जरा कंडीजेबल एक वर्किंग भी लिखते हैं, जो मैंने परसेंटेज में साइड पे लिखी थी। ये बस ये नॉट प्रिंटेड है, प्रिंटेड नॉट प्रिंटेड। तो क्या क्या होने से, क्या सेम रहने से क्या हो गया है? सेल प्राइस 10% बढ़ने से और वेरिएबल कॉस्ट सेम रहने से हमारी कंट्रीब्यूशन बढ़ गई। एनी कंफ्यूजन सर? नहीं सर, हमें अल्लाह का शुक्र सारा पड़ा है। हमें पता है कि जरूरी नहीं है कि प्राइस इसलिए बढ़ाई हो कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी हो, तो हमने फिर ये अज्यूम किया कि वेरिएबल कॉस्ट सेम। नहीं वो ठीक है, लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे हम कम से कम हमें ये नहीं पता कि वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ी है। सेल प्राइस का हमें पता है, और ये हमें थोड़ा सोच के पता चला कि ये कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस इसीलिए बढ़ाई हो कि खर्चा बढ़ा। हाँ जी ये ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो वी अज्यूम के बाकी सारे वेरिएबल्स एज इट इज हैं और जहाँ चेंज है वो कर लिया हमें। मतलब मैंने सेल प्राइस 10% बढ़ाई, वॉल्यूम 20% मैंने चेंज किया, लेकिन वॉल्यूम के चेंज का मैंने इंपैक्ट वेरिएबल कॉस्ट में क्यों लिया, वो अंडरस्टूड बात है। कि अगर आप जैसा कल वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा मुजाहिर में जो आया था कि अगर जो वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट अगर है तो सेल के साथ वेरी करना ही करना है, वरना फिर वो वेरिएबल क्या है? अगर यूनिट्स चेंज हो जाने के बावजूद आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट वो सेम ही जा रही है, इसका मतलब वो वेरिएबल नहीं। तो शुड वेरी विद द, अगर सेलिंग कॉस्ट शुड वेरी विद द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, और अगर प्रोडक्शन है तो शुड वेरी विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, अगर वेरिएबल है। तो अगर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम मींस क्या होता है? क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट अगर है तो वो साथ कम होनी चाहिए, लेकिन प्राइस अगर बढ़ रही है तो नॉट नेसेसरली के खर्चा भी बढ़ाओ। हो सकता है बढ़ाओ, हो सकता है ना बढ़ाओ। अब कितना बढ़ा है ये भी हो सकता है, कोई डिफरेंट बढ़ाओ और हम सिर्फ प्रॉफिट प्राइस का सिर्फ 10% बढ़ा सके, खर्चे हालांकि ज्यादा हो गए, तो हो सकता है वेरी किया हो, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी अज्यूम कि जरूरी नहीं। ठीक है जी, एक सेकंड जरा। नहीं बेटा एक्सप्लेन हो गया, आपकी वर्किंग एक्सप्लेन कर रही है, आपकी ये वर्किंग एक्सप्लेन कर रही है।
जी सर जी आपने करें। जी 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 हाँ, तो इसलिए हम कर पा रहे हैं। सर ले सकते हैं सर, ये यूनिट्स और उसकी बेस वर्किंग कर दिया। कितने यूनिट्स हैं बताएं? कोई भी इस यूनिट्स ले लें, कम करें सर, वो कम करें, वो कम करें, वो कम करें। 100 ले लें, 500 जाने दें यार, जब हमारे पास ऑल्टरनेट अवेलेबल है तो फिर हम उस तरफ क्यों जाए। और ये कहना है 100 यूनिट है, कोई दूसरा का 500 है, 600 है, वो शाम हो जानी इसी चक्कर में। तो नहीं, लेकिन अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और हमें पता है यूनिट्स ऑफ सेम ही होते हैं, तो हम रादर देन के कोई अजम्पशन है तो ये अमाउंट की बेस पे ले लेते हैं। अब देख जो कंट्रीब्यूशन है, क्या उतने यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन होगी जितनी सेल है? तो रादर देन के हम यूनिट्स कंसिडर करें, ऑटोमेटिकली जो भी यूनिट्स होंगे खुद ही नेट ऑफ हो जाएंगे। तो रादर देन के हम उन्हें अज्यूम करके पर यूनिट में आए, हमें पता है कि ये टोटल की बेस पे तो वही आंसर आना, तो मेरा ख्याल फिर उसकी जरूरत नहीं, वरना करेंगे तो डेफिनेटली वो प्लस माइनस होकर डिवाइड होते ना। लेकिन रादर देन दैट, जब ऑप्शन अवेलेबल है और हमें पता है कि यूनिट्स लें या ना लें परसेंटेज सेम आनी है, तो फिर बगैर लिए ही कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई और कंफ्यूज? चलिए सर जी, अब करना क्या था, यहाँ स्पीडअप हो रहा, सी एस रेशियो आ जाएगी सर, फार्मूला बोल दें सर। अच्छा इसके नीचे कर ली ना, दो तीन जरा लाइनें रखिएगा, एक सेकंड, इसके नीचे दो तीन लाइनें रखिएगा, शायद एक और चीज समझने के लिए मैं जरूरत पड़ेगा इसकी। सी एस रेशियो 324,000 डिवाइडेड बाय बता देना 1272000 इनटू 100 24.25 आ गई, गई परसेंटेज आ गई सर 25.47% ऑफ सेल्स। क्या चीज किसका? अब ये ना सॉर्ट ऑफ मिक्स अब आ रहा है प्रिंटेड नॉन प्रिंटेड का, और उनकी प्रपोर्शन भी इनका सेम नहीं है, 60-40 हुआ है। तो ये ओवरऑल एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन है एट द प्रपोज लोकेशन। डन है प्लीज, डन है सर। चले सर, ये सवाल में जो असल इशू था कि अगर यूनिट्स ना हो तो फिर कैसे वर्किंग की जा सकती, वो तो अब हमने कर लिया, मैं इसी तरह वाइंड अप करवा रहा। क्या करें अब इस 25.47 का? फिक्स कॉस्ट हो गई है 2,25,000 मंथ्स, 50+75 डिवाइड बाय 25.47% आंसर बता दो बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़े जो आ रहा बता दो। 883392 ये क्या आया? कौन सा रेवेन्यू आ गया? ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया, प्रॉफिट आ गया, सेल आ गई, सेल आ गई। किस लेवल की? ब्रेक इवन सेल्स लेवल की सेल आ गई। Done please। अब यह होनी कुछ चीजें मिक्स, अगर आप सोचेंगे तो अपनी वर्किंग में आ जाओ। ये 12,72,000 क्या आया था? 12,72,000 प्रिंटेड और नॉट प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की सेल। तो ये 8,48,33,392 किसकी सेल आई है? ये प्रिंटेड की है, नॉट प्रिंटेड की है? दोनों ही की है, वो भी दोनों की है। वो क्या है, ये क्या है? वो सॉर्ट ऑफ बजटेड है, प्रपोज्ड लोकेशन पे वो होगी, ये कम से कम वहां होनी चाहिए। ये एग्जिस्टिंग लोकेशन की बेस पे एक प्रपोज्ड लोकेशन की बनी है। ठीक है, क्या हम ब्रेक इवन से आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कैलकुलेटर उठाए रखे, 3,24,000 के है। कौन सी कंट्रीब्यूशन? ये सॉर्ट ऑफ बजटेड है, ये बजटेड कंट्रीब्यूशन है। कंसंट्रेट रखे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट करवा दे रहा। 3,24,000 ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन है। फिक्स कॉस्ट बताएं ऑप्शन वन की, 225,000 लिखें,
माइनस 2,25,000 करें, ये क्या है? और नहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जुल्म है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, 12,72,000 ढूंढे, नाम बोले। अच्छा बजटेड की वजह से बजट एम ही वर्ड लगा लिया, बजट देखे सवाल जरा, सही वर्ड लगाया एम ही लगा लिया। प्रपोज लोकेशन की वर्किंग की है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लोकेशन, वहां से आगे गए 20% वॉल्यूम कम हो रहा है, 10% प्राइसेस बढ़ रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल 12,72,000। ब्रेक इवन सेल कितनी है? ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। अब यूनिट्स नहीं पता इसलिए हम यूनिट्स तक नहीं आ सकते, हमें पर यूनिट सेल प्राइस नहीं पता, वरना हम शायद यूनिट्स तक भी आ जाते। तो बजटेड माइनस ब्रेक इवन सेल इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3,24,000 माइनस 2,25,000 मींस 99,000 इज प्रॉफिट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, ये बजटेड पॉइंट है, हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे अंदर 883392 क्या है? कैलकुलेटर उठाए जरा, 883392 स्टेटमेंट के स्टार्ट पे फिगर होगी। किस लेवल पे? ब्रेक इवन सेल स्टार्ट। क्या हमें पता है ये रुपीज कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे? ढूंढे कहीं का ढूंढे, क्या हमें पता है 883392 रुपीज जो है इसमें प्रिंटेड है या नॉट प्रिंटेड है? क्या हमें दोनों की कंबाइंड सी एस रेशियो पता है? तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सी एस रेशियो से, तो करने से पहले बताएं क्या आएगा? सेल्स है, सेल के रुपीज से अगर हम सी एस रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज आएगी? कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ जाए। तो ये रुपीज कितने रुपीज ऑफ कंट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे? अब करें मल्टीप्लाई करना, और मसला आ गया। 883392 इनटू सीएस रेशियो टू गेट व्हाट? कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन। और क्या वो फिक्स कॉस्ट के बराबर आना चाहिए? किस लेवल पे? तो वो बराबर ने होपली परसेंटेज राउंड ऑफ की हुई है। तो अप्रोक्सीमेटली ये है ब्रेक इवन पॉइंट जिस पे फिक्स कॉस्ट किसके बराबर होगी? कंट्रीब्यूशन के। लेकिन वो जो 12,72,000 का लेवल है वो क्या है? वो बजटेड लेवल है, वहां हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स ऑप्शन वन में 8,83,392 रुपीज बजटेड सेल्स है, और ऑप्शन वन में प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 99,000। ऑप्शन वन में ब्रेक इवन आएगा 8,83,392 रुपीज की सेल से, और ब्रेक और ऑप्शन वन में प्रॉफिट आ जाएगा 99,000 प्रोजेक्टेड लेवल पे। ये क्लियर है मेरे वर्ड्स? बोल दे जरा मैंने क्या दो बातें की बीच में। ब्रेक इवन पॉइंट ये होगा, और प्रपोज्ड जो है उस वर्किंग से बजटेड लेवल पे हमें 99,000 का प्रॉफिट होगा। बताएं ऑप्शन वन ठीक है? ठीक है, प्रॉफिट तो है, लेकिन क्या उसमें कम है या ज्यादा है? ये हमें तभी पता चलेगा जब हम वर्किंग करेंगे। डन है पीस? ठीक है सर। तो प्रॉफिट 99,000 कैसे आया जी? 3,24,000 और फिक्स कॉस्ट अगर लिखी जाए 2,25,000। ये मैंने लाइन दो तीन छुड़ाई थी, मैं लिखने लग रहा है। फिक्स कॉस्ट कहाँ से आ गई? 2,25,000। 75,000 कहाँ से आ गया? 1,50,000 कहाँ से आ गया? कैलकुलेटर पे 99,000 आया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। जी ओके, बट कंप्लीट करने नहीं करने। ग्रॉस प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया? बेटा प्लीज बेटा सॉल्व किया करें कंडी फिगर्स। जब भी मैं कहूँ कैलकुलेटर उठा लें, किसको कहता हूँ? मेरे पास है भी नहीं, बल्कि है, सॉरी सर, है तो सही, उठाता नहीं मैं। प्लीज वर्किंग्स करें, पंगे लेने से है, कभी डिवाइड हो रहा है, कभी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आखिर क्या हो रहा है? ये स्टार्ट करें जी, ऑप्शन टू ये करें जी, शुरू आप लोग करें, और खुद से जरा कंपेरिजन करें वर्किंग करते हुए।
शायद सिर्फ एक चेंज है, हिम्मत करना था। हिम्मत ऑप्शन की स्टोरी है क्या? सबसे पहले एग्जिस्ट ये जो फर्स्ट पेज मेरे ख्याल आपने छोड़ दिया था, इसके लिए ऑप्शन टू की वर्किंग मतलब वर्किंग में तो जाते हैं अभी। इसमें फॉर्मूला बन जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट अब इस केस में मेरा ख्याल है 50,000 और 150 रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और सी एस रेशियो अब चेंज इससे जाएगी। करें जरा, करें जरा बताएं, करके देखें जरा किस वजह से कहां चेंज है। अब इसमें कमीशन भी आ रहा है शायद, क्या करें सर जी? खासतौर पर जब चीजें रिपीट हो फिर तो जरूर करें। Sales, I think, should remain same. Variable cost other than commission should remain same. Commission is a fixed cost. So 5% fix hai. Variable cost mein commission add ho jayega. करवाए कैसे कटे होगा जी? चाहिए सेंटेंस पढ़ा उसमें बताया बस किसका 5% सेल्स का 5% प्रिंटेड की या नॉट प्रिंटेड? टोटल सेल्स लिखा भी हुआ 12,72,000 इंटू 5% 63,600। ये प्रिंटेड पे इफेक्ट है या नॉट प्रिंटेड पे? 5% दोनों पे। अच्छा सॉरी, ठीक है सॉरी। जी कंप्लीट करें।
अब लोग कंप्लीट करें सर, मैं अब लोग चले आगे, यहाँ तक मिशन समझ आ गया, अब ब्रेक ही में निकल, हाँ पहुंचे पहुंचे पहुंचे, एंड तक कंप्लीट करें। कंप्लीट करें सर, कंपैरिजन करें, रीजन भी बतानी है। ये सर कंट्रीब्यूशन आ गई, कंट्रीब्यूशन लिखवा दो, 260 400 CS रेशियो का पाएंगे, इसके नीचे भी दो लाइनें रख लीजिएगा, रखी चले खैर अगर नहीं रखा, तो 60,400 डिवाइडेड बाय 1272000 इनटू 100 20.47%। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा कठिन है यहाँ तक 20.47 मेरे सामने जो हजार बैठे हैं ये भी अपने आप ऑनलाइन स्टूडेंट समझ लें। ओके है सर, आंसर बताइएगा, 977040 कंक्लूड करें सर जी, जरा सही को रीजन हो जाए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें ठीक है, लेकिन एक एक करके जरा करना, पहले ये ब्रेक इवन सेल्स आ गई ना सबकी, ये एनी कंफ्यूजन यहाँ तक, पहले सर जी काम जरा करें, जरा बड़ों वाला अभी रेडी, बाकी वो ठीक है, कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूड का इतना इशू नहीं है, होपफुली कंक्लूड आप कर लेंगे। वैसे ऑप्शन वन या टू, ऑप्शन वन टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थ्री ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सब लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आपका फाइनल ओपिनियन टू वाले, मैं अकेला ही हूँ, ठीक है, ऑप्शन उस पर आ जाते हैं, ऑप्शन वन ठीक कह रहे हैं आप, उसके भी रीजन लिख लेते हैं। आप पहले काम जरा ये करें, वर्किंग वन पे जाए जरा, वर्किंग वन पे अभी आपने मुझे डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करवाई, यहां जरा डायरेक्टली करवाए जी बेटा, वो कर लेते हैं, वो छोड़ दें, कंट बी पार्ट छोड़ दें, असल गेम जरा एक मिनट समझें, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन रिकनसाइल करवाएं, ना सर वो दाखिल ही नहीं है। अब प्रॉब्लम असल में क्या हुई है, एक सेकंड बोर्ड पर देखा, ये प्रिंटेड ढूंढना जरा, ये हमारा छोड़ दें कंडी, ठीक है ओके हो गया, ओके हो गया, सब ओके हो गया, ऑप्शन वन ओके है, डन है, अभी लिख लेते हैं इंग्लिश में, आप उसको छोड़ दें, ये जो इस वक्त बहस स्टार्ट होगी इसको गौर से देखें, प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की परसेंटेज पुरानी वाली लिखवाएं, प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की सी एस रेशियो को सामने रख के परसेंटेज डिफाइन करवाएं, क्या ये जो मैं बात कह रहा हूँ ऑप्शनल है, व्हाट इज 100, व्हाट वाज 100,
What was variable cost? What is contribution? What was contribution? 15. अब बीच में वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन भी है और कमीशन दोनों में है और कमीशन 5% ऑफ सेल्स है. 5% ऑफ सेल्स का मतलब अगर 100 रुपए सेल प्राइस है तो 5 रुपया कमीशन, तो सेल प्राइस हो गई 95. ये हुई ना बात. क्वेश्चन नंबर 7 और हिमालयन रिवर में तो सेल प्राइस 95 थी, वो हो गई थी और हमें ठीक करनी पड़ी थी. सर जी ना करा 5% ऑफ सेल्स है, तो इस 5% ऑफ सेल में भी सेल 100 है और 5 रुपया वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा है. इजाफा है, कमी है, तो ये 90 हो जाएगा. कंट्रीब्यूशन 1 टन, सिर्फ 10, नॉट प्रिंटेड. नॉट प्रिंटेड वाली गेम सेल 100, 75 और 25. ये चीज, ये जो सेल थी ये तो ऑप्शन 1 में ही यहां तक पहुंच गई थी. 110, 75 एंड 35, यहां तक तो पहले पहुंच गई. अब 5% ऑफ सेल है और वन सेल 5% ऑफ सेल. कंसंट्रेट करना फुल, फुल और सदी ना करें इसका. 5% ऑफ सेल का मतलब सेल 100 है. सोच लें आप, 5% मैं मैथमेटिकली करूंगा, 5/100 है, 5 कमीशन है और 100 रुपया अगर सेल प्राइस है. लेकिन अब हमारी प्राइस 100 रुपया नहीं है, परसेंटेज नहीं बदली. 5% ऑफ सेल प्राइस, कमीशन इज 5% ऑफ सेल प्राइस. अब ये जो 110 है ये बेस में 100 है, उस कमीशन की परसेंटेज के एंगल से हमारी सेल प्राइस 100 रुपए से 110 रुपए हो चुकी है. अब 5% कमीशन है, सेल 100 है और कमीशन 5 है. लेकिन अब हमारी जो सेल प्राइस है वो 100 रही नहीं है, तो अब ये जो 110 इस वक्त है, मेरे 5% ऑफ कमीशन की वजह से ये 110 100 है या 100 110 है? ये क्या बात, 110 कैसे 100 हो सकता है? ये सॉर्ट ऑफ सेल प्राइस है, 110 रुपया प्राइस है और 5%, 5% डजंट मीन 5/110, 5/90, 5/100 ही है. लेकिन अब 100 क्या चीज है? 110 बन गई हुई चीज. पहले तो एक मिनट इसको हजम करना था. परसेंटेज में प्लीज कोई कमी बेशी हम नहीं कर सकते. मैथमेटिकली मींस 5/100, लेकिन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस 100 नाउ? 110 है. इट मींस कमीशन 5 रुपया, या कैलकुलेटर पकड़े, 5.5 रुपया. करें करें, मिनट सॉल्व कैसे करेंगे? 110 डिवाइड बाय 100 इंटू 5. Why it is not 5 now? अगर सेल प्राइस 100 रुपए है तो 5% means 5 रुपए, और अगर सेल प्राइस 110 रुपया है तो 5% means ही 5.5. नहीं समझ रही? क्या समझ रही? वेरिएबल कॉस्ट लिखवाएं. चलो आफ्टर दिस बेस सेल बताएं कितनी है. वेरिएबल कॉस्ट 80.5 एंड देयर फॉर कैलकुलेटर अलाउड, देयर फॉर कैलकुलेटर इज टू मच अलाउड. 90.29, इतना भी फॉर्स होने की जरूरत नहीं है. 29.5 एक्सप्लेन करें कहीं जरा. ये कभी भी मेरे नजदीक आपस में बहस करके बात समझ नहीं आ सकती. यकीनन मैंने एक आपके सामने बात रखी है, लेकिन अगर इंडिविजुअली सोचेंगे तो बेहतर है, वरना साथ वाला दिमाग प्लस मेरा वाला बात प्लस आपका दिमाग इज इक्वल टू हो जाना है इन्फिनिटी.
तो फाइनली इंडिविजुअली बेटा ये सोचने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका बेस्ट वे क्या है, कैलकुलेटर पे जीरो करें, दोबारा सोचें, पंगा लें, नहीं बात बनी तो मुझसे पूछें। ये ऑनलाइन फ्रेंड्स फाइनल, तो कॉस्ट की क्लास में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक लम्हे के लिए भी कंसंट्रेशन इधर उधर जाए। थोड़ी देर पहले एक चीज 35 थी, मतलब अचानक वो कितनी होगी, 5% का मतलब तो 5 होता है, लेकिन आज से 5% मीन्स 5.5 हुआ करें। ये परसेंटेज में बड़ा कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, अब करें जरा खुद से जरा देख के करें कैसे वर्किंग होगी, ये और की वर्किंग कर रहे थे हम कंट्रीब्यूशन, थोड़ा स्पीड अप होना टाइम है, एक सवाल और शुरू होता था। ठीक है मैं जी सर होगी वर्किंग, कैसे नहीं आपने की होगी, फिगर्स बोल रहा था, नहीं नहीं आगे वर्किंग कम्प्लीट करनी है, और कंट्रीब्यूशन का जो 264,000 आया ये डायरेक्टली कैसे आएगा, वही कर ना परसेंटेजेस को यूज करें जो फाइंड आउट होंगे। सेल्स के रुपीज से डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन की अमाउंट निकालें ना सर, ये मत करें 480 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 10 प्लस 792,000 डिवाइड बाय इनटू 29.5। ओके सर, तो वहां तो सिर्फ एक 110 का मसला था, यहाँ क्या हुआ कमीशन वेरिएबल कॉस्ट में शामिल हो गया ना 5%। सॉरी हाँ ठीक है, वो तो असल में 5% कमीशन है, तो कमीशन लेस करेंगे तभी आंसर, तो सिर्फ चेंज तो इस डेटा में और उस डेटा में क्या चेंज है, 100 नहीं बदला, 110 नहीं बदला, कंट्रीब्यूशन की परसेंटेजेस क्यों बदली है, कमीशन की वजह से। और अगर हम नेट इफेक्ट देखना चाहें तो वहां 15 से जरब दिए आपने, यहाँ 15 की बजाय 10 हो गया, और वहां आपने 35 से दिए, अब यहाँ 5.5 कम हुआ है तो 29.5, और अगर ये कम किए बगैर आप सीधे कमीशन लेस कर दें तो यही कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, वो ठीक है। डन है सर, तो इन क्वेश्चंस का बड़ा मकसद डेफिनेट ठीक है, प्रैक्टिस अपनी जगह, लेकिन जहन खोलना असल मकसद है आपका, मतलब जहन ब्रॉड करना, सॉरी खोलना। जी सर जी कंक्लूड करवा दीजिएगा जरा, ऑप्शन वन क्यों बेहतर है, वैसे एक जरा एक और चीज भी देखें, हाँ जी ब्रेक इवन जल्दी आना चाहिए लेट आना चाहिए, जरा ऑप्शन वन ऑप्शन टू की जरा ब्रेक इवन जरा देखें, ब्रेक इवन किसका जल्दी आ रहा है, क्या मतलब इसका, ब्रेक इवन आएगा तो प्रॉफिट शुरू होगा, तो क्या ब्रेक इवन ज्यादा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए,
तो कंपैरेटिवली ऑप्शन वन में दो मसले, दो अच्छाइयां हैं, एक तो ब्रेक इवन ज्यादा है, सॉरी ब्रेक इवन कम है, और सेकेंडली प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। वर्किंग कर ली हमने प्रॉफिटेबिलिटी की? ऑप्शन टू में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाली हमने? कंट्रीब्यूशन 260,000 है और इस केस में फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख और डिफरेंस है 64,000। तो आंसर लिखे इसका जरा, 60,400। ऑप्शन वन इज बेटर, लिखे जरा अंग्रेजी लिखे जरा, बी पार्ट का आंसर लिखे, मैं बोल रहा हूँ। ऑप्शन वन इज बेटर बिकॉज ब्रेक इवन सेल्स आर लोअर, ब्रेक इवन सेल्स आर लोअर एंड प्रॉफिट इज हायर इन ऑप्शन वन। ब्रेक इवन सेल्स आर, देखिए वैसे फिगर्स कितने, ब्रेक इवन सेल्स आर लोअर 8 लाख, ब्रेक इवन सेल्स आर लोअर एंड प्रॉफिट इज हायर इन ऑप्शन वन एज कंपेयर टू ऑप्शन टू। अब डेफिनेटली सेंटेंस इंग्लिश का कुछ जरूरी नहीं है, मैच करे मेरे से, रीजन मैच होनी चाहिए, क्या लोअर है और क्या हायर है। तो व्हाई द लोअर ब्रेक इवन इज बेटर, जल्दी लॉस कवर होगा और लॉस कवर होगा तो प्रॉफिट की तरफ हम आएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 10 कर, या इस तरह के क्वेश्चन नंबर 10 से पहले, ये तो होमवर्क हो जाएगा किसी में लग रहा, पहले इधर आगे हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 10 की बजाय पेज नंबर निकाले 37। बास्केटबॉल पेज नंबर बता दें 37, रिपीट कर दें पेज नंबर 37 बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडल निकाल लेना, पढ़ना शुरू करें। सवाल टू मच 37। गेम यकीन माने बाकी संजीदा है, अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ रहे तो ये इम्पॉसिबल की तरफ गेम जा रही है, और साथ साथ पढ़ने का मतलब हर क्वेश्चन नहीं कर रहे, डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो जस्ट मिनिमम है, आप उसे मैक्सिमम ना कर ली समझिएगा। जी सर, बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायरमेंट है जी, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट, सेल्स चाहिए टारगेट प्रॉफिट की, सेल्स फिक्स कॉस्ट है कोई, टारगेट प्रॉफिट चाहिए होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वगैरह वगैरह, वो फिर सोचेंगे कैसे हो सकता है। बी रिक्वायरमेंट है कि इंशाल्लाह आप ठीक ठाक एंजॉय करेंगे, डिटरमिन द प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट वुड बी यूटिलाइज टू अचीव द सेल एज कंप्यूटर ने अबव, इसको छोड़ दें, एक ही तरफ फोकस करो। बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, BPL is currently operating at 70% of the production capacity. 70% का मतलब यह है कि अगर 100 यूनिट्स बनते थे, 100 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी थी तो हम 70 बना रहे थे। मैनेजमेंट wants to achieve an increase of 36 million in profit after tax of the latest year. Latest year का मीनिंग बता दो, लेटेस्ट ईयर जो अगला साल हो,
लेटेस्ट ईयर मींस फॉलोइंग ईयर विच इज अनदर नेम ऑफ करंट ईयर. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन. करंट ईयर समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ द लेटेस्ट ईयर. वी आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट लाइन. लेटेस्ट ईयर मींस जो गुजर गया बेटा, लास्ट ईयर. लास्ट ईयर जो गुजर गया, लेटेस्ट ईयर. और हम किस साल की प्लानिंग कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर. हम शायद कहां खड़े हैं? हम कहीं एंड में खड़े हैं. हमारे पीछे कौन सा ईयर है और आगे नेक्स्ट ईयर? हम किसी ईयर एंड पे खड़े हैं. और प्लानिंग देखिए हमेशा स्टार्ट होती है शायद. हम लेटेस्ट ईयर के बाद पे नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे खड़े और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं. तो प्लीज लेटेस्ट ईयर मींस पिछला होता है यार. लेटेस्ट टर्म कौन सी थी आपकी? ऑटम ईयर. जो कमिंग अटेम्प्ट में वो लेटेस्ट ईयर थी. जो गुजर गई शायद वो लेटेस्ट टर्म थी. मोबाइल से हेल्प लेके बताएं लेटेस्ट ईयर का मतलब क्या होता है. आ जाएगा उसमें यार, गूगल पर सर्च कर लें. नहीं वो और एंगल से शायद वर्ड हो. देख ले फाइनल कर ले, अगर नहीं क्लियर होता सोचो. थे लेटेस्ट ईयर नेक्स्ट ईयर. कौन से साल की? ये मेरा ख्याल माद नहीं, बाकी मोबाइल से देख बताए. इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर. लेटेस्ट ईयर सर. अगर सपोज हम 2020 की प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो बताएं लेटेस्ट ईयर कौन सा? नहीं नहीं हमारा मतलब मैंने इसलिए कहा मेरे भाई, मैं यकीनन आपने खुद ही बताया. मैंने इसलिए कहा कि अगर ये आपने चेक कर लिया तो कंफर्म हो गया यार. क्या हो गया यार हमारे गुस्से करके. समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द लेटेस्ट ईयर है सेल. यानी गेम शुरू करो. कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स रेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ऊपर वाली थर्ड लाइन, हम चाहते हैं 36 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज आ जाए. क्या हमारे इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में जाए टारगेट प्रॉफिट के की सेल्स मांगी हुई है? क्या टैक्स इन्वॉल्व है? फॉर्मूला फाइनल कर लें. टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे 25% एक्सेड. फॉलोइंग आर द मेजर अजम्पशंस प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर्स बजट. आई होप क्या बात ये क्लियर है कि पिछले पीरियड का 90 था. हम उसमें कितना इजाफा चाहते हैं? 136 होना है. क्या चाहते हैं हम? नहीं मतलब यहाँ तक क्या चाहते हैं हम? 126 है चाहते हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 126 हो जाए नेक्स्ट ईयर में. और नेक्स्ट ईयर के कुछ आप अजम्पशंस दे रहे हैं. हाँ सर जी, असल गेम आप कह सकते हैं कि शायद ये परसेंटेजेस की अब शुरू हुई है और ये बड़ी हाईएस्ट लेवल पे जानी है. डेली बेसिस पे गेम ऑन हो जानी है. सेल प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वुड बी इंक्रीज बाय 100-108 हो जाएगा. हाउएवर टू अवॉइड एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज 10% डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड टू द लार्ज कस्टमर्स हु परचेज अबाउट 30% ऑफ द टोटल सेल. 100 रुपए अगर सेल्स थी तो 30 रुपीज सेल लार्ज कस्टमर्स को होती है. उनको 10% डिस्काउंट मीन्स अगर 100 रुपए पे बेचते थे तो 90 पे बेचेंगे. उनको 100 रुपया अगर सेल प्राइस थी तो 30% सेल, सॉरी 100 रुपया अगर सेल्स थी तो 30 रुपीज की सेल लार्ज कस्टमर्स को हो रही थी. उनको अब 90% पे बेचेंगे. उनको 100 रुपए की बजाय 90% बेचेंगे. अब ये परसेंटेजेस में 100-100 बोल रहा हूँ. क्या 100 रुपया सेल होगी और 100 रुपए सेल प्राइस होगी? परसेंटेजेस यार. Additionally, distributor commission would be increased from
क्या पहले भी है? यस सर। अब भी होगा? यस सर। पहले 100 के गेंस 2 रुपए दे रहे थे, अब 100 के गेंस 3, अब 100 रुपए के गेंस 3 रुपए देंगे। इज इट वेरिएबल कॉस्ट? जाने दें यार। नंबर 2, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय। अब यहां जरा वो बात फाइनल करना जरा, क्या वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज में इजाफा और सेल प्राइस में इजाफा जरूरी है कि सेम परसेंटेज से हो? 8% सेल प्राइस पे है, और उसने बताया हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन वो 4% बढ़ रही है। ऐसे ही सर, व्हाइल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय। फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल तो सेम रहता है, लेकिन अगर बताया हो तो इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है, लेकिन अगर बताया हो तो इन्फ्लेट हो सकता है। वो बेसिक अजम्पशंस है, अगर इंफॉर्मेशन ना हो, और अगर इंफॉर्मेशन हो तो गेम ऑन है। डेप्रिसिएशन ऑफ द लेटेस्ट ईयर वॉज 90 एंड वुड रिमेन कॉन्स्टेंट। डन सर? रिक्वायरमेंट ए सर? रजिस्टर सर? क्वेश्चन नंबर सेटिंग सर? उसका पेन नंबर भी आप साफ लिखते हो, उसमें 6 भी काफी सारे हो जाते हैं। बिजनेस नेम सर? जितनी देर आपने चीजें सोचनी है इधर उधर की, कैसे होगा, क्यों होगा, उतनी देर में इंशाल्लाह शुरू हो जाना। जर्नलिस्ट सब क्लियर है यहाँ तक? जो बात भी हुई है बाला भी इंशाल्लाह उसे लिख के करते हैं और डिस्कस करते हैं। बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट ऑफ सेल टू अर्न टारगेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 126, टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 126 तक आ गए ना सर? कैसे? 90 था, 36 और होना चाहिए। और बेटा 90 क्वेश्चन में गिवन है, 90 गिवन है। मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव increase of 36 million the profit after tax of the latest year. The latest year beta 90 million profit hua hai, aur management chahti hai ki 36 million ka izafa kiya jaye. Ji sir ji, jo kuch bhi ho jaye pehla step yahi hai ki kisi tarah zehen se koi formula dhoond jaye. Total fixed cost ये बात अब फाइनल हो चुकी है कि हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है। तो माना क्या है? लेकिन अगर बिफोर टैक्स की सेल आ जाएगी तो इंशाल्लाह टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फॉर्मूला फाइनल है सर, अगर टैक्स इन्वॉल्व हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्लूड करके इंशाल्लाह आंसर आएगा। अब इस पे फर्दर बहस की जरूरत तो नहीं है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर, डिवाइडेड बाय, अब आप दोबारा डाटा सर्च करें, यकीनन यूनिट से सेल प्राइस, यूनिट से नंबर ऑफ यूनिट्स ब्रेक इवन के निकाल लेंगे, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स टारगेट प्रॉफिट के निकाल लेंगे, फिर सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढ के सेल्स निकाल लेंगे, तो अचीवेबल तो है ये टारगेट। आप बताएं
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के एंगल से डाटा पढ़े सही, एक नजर पढ़े कंट्रीब्यूशन के एंगल से पर यूनिट। अच्छा वैसे इस क्वेश्चन में इतना कोई टफ भी नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट उसमें परसेंटेजेस देंगे, क्या हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे वैसे? लेटेस्ट ईयर की सेल निकाल लेंगे, सेल तो गिवन है, सेल गिवन है, गिवन है सर, परसेंटेजेस दिए वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन के रुपीज आ जाएंगे कैसे? कंट्रीब्यूशन के रुपीज आ जाएंगे कैसे? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट कैसे बनाएंगे? यूनिट्स का डाटा नहीं, यूनिट्स का डाटा नहीं, वंस अगेन यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं, जिस तरह से ओरिएंट वाले सवाल में यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो क्या सीएस रेशियो से गुजारा हो जाएगा? सीएस रेशियो से विदाउट पर यूनिट भी रुपीज से भी गेम चल जाती है। तो व्हाई वंस अगेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो रादर देन, बल्कि रिक्वायरमेंट देखें, वंस अगेन वी हैव टू फाइंड आउट रुपीज, यूनिट्स को मांग भी नहीं रहा, सीएस रेशियो का फॉर्मूला। चलें इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है बस यहाँ तक तो क्लियर होगी, प्लीज कल दोबारा बेटा स्टार्ट करेंगे। अमेरिकनो, जिन लोगों का अमेरिकनो हो गया हुआ है, आपने ये क्वेश्चन नंबर 10 एक मिनट होना, कितने लोगों ने कर लिया हुआ बेटा? साथ साथ करें यार, ये क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढना, जो मैंने एबीसी भी ढूंढ रहा था, इसको जरा मैक्सिमम ट्राई करें, जरा कितना होता देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एबीसी जो था, इसका पेज नंबर बताइए, पेज नंबर 17 पे एक एबीसी लिमिटेड है, इसमें जो अमेरिकनों में अपने यूनिट्स निकालने डैश बना के, इसमें वही जरूरत पड़नी है, बाकी देखें कहां तक पहुंचते हैं। तो अमेरिकनों मुझे रिवाइज याद करवाएंगे, इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेते हैं ये दोनों, अपनी तरफ जरा एबीसी भी मैक्सिमम ट्राई करके लगता है। कोई नहीं सर, ये अगर कल नहीं ले सके तो क्लास ले लें यार, उसमें दो क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, दो क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं।